हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग गलेक्सी नोट नाइन का ये फ़ोन परचेज़ करा था मैंने 2018 में तो लगभग इसको पाँच साल से ऊपर हो चुके हैं तो मैं इसका रिव्यू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको उससे डील मिल रही होगी 2024 में क्योंकि आपको ये मिल जाएगा लगभग चौदह से पंद्रह के बीच में हाइस्ट वैसे लोएस्ट में आपको दस हज़ार ग्यारह हज़ार का मिल जाता है क्योंकि मेरे पास पाँच सौ बारह जी है तो हम इसको कंपेयर भी उस वाले फोन से करेंगे कि दस से बारह हज़ार का जो फोन आता है मार्केट में तो देखते हैं कि आपको ये लेना चाहिए कि आप मार्केट में जो एम आई या वीवो के जो भी फोन आते हैं दस से बारह में कैंडी लेना चाहिए तो पहले एक बात करेंगे सर डिजाइन बात से। करेंगे इसमें तो आपको डिस्प्ले देखिए कर डिस्प्ले दिखेगी आपको देखो साइड से और इसमें ऑलवेज ऑन भी है और साइड से फ्रेम आपको देखेगा देखो एलूमिनियम फ्रेम है इसमें और क्योंकि इतना तो पुराना हो चुका है चार से पाँच साल हो चुके हैं फोन को तो देखो इसमें तो थोड़े बहुत इसमें स्केचेज लगे कवर किए ये भी और ये चार्जिंग पोर्ट और इसमें थ्री पॉइंट फाइव एम एम बहुत मेन है आज का फ़ोनों मिलता नहीं है लेकिन बजट के फ़ोन मिल जाता है जो दस से बारह हज़ार की रेंज है और उसमें डेडिकेटेड बिस्मी का बटन है कि ये और ये पावर का बटन है और देखो ऊपर सिम ट्रे एंड मेमोरी कार्ड वन टी तक स्पोर्ट करता है और ये देखो कवर के जैसे स्पोर्ट है और पीछे से देख देखना देख लो आपको दिख सकता है ग्लास बैक है और इस उसमें थोड़ा फिंगर प्रिंट में क्या है कि इसका वह हट चुका है थोड़ा कलर क्योंकि ये चार से पाँच साल से हम यूज़ करें इस वजह से उसमें एक, एक यूनिक फीचर है हार्ट रेट का देखो ये सेंसर हार्ट रेट का हमारे सेंस लगाएंगे तो हार्ट रेट अब वैसे कर सकते हैं दिखाता आपको दिखाओट पर आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस उसकी पीक ब्राइटनेस है वन थाउजेंड फिफ्टी इट्स की और आपको ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं चलाने में कि आप कंपेयर करेंगे अभी ये दस से बारह हज़ार मिल जाता है जैसे कि अभी ये आपको सेकंड हैंड मार्केट में 10 से 12 हज़ार मिलता था तो हिसाब से इसकी बैटनेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है ऊपर से एच डी आर टेन डिस्प्ले है। इस रेंज में आपको ऐसा कोई डिस्प्ले मिलेगी नहीं क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में दस से बारह हजार बताया था मैंने आपको मिल जाता है क्योंकि एक तो सुपर एमिनोड डिस्प्ले इसमें ऊपर से एच डी है कप डिस्प्ले और उसमें डब्लू क्यू एच प्लस डिस्प्ले है आपको दिखाता हूँ देखो चिक्कि सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाएंगे और दिखाता हूँ आपको आप लिखा है इसका रेजोल्यूशन देखो ये आपको सबसे में पचास से पचास हज़ार के मोबाइल मिलता है अब देखो फुल एच प्लस देखो कॉल एच कर देता हूँ मैं अप्लाई इस स्क्रीन की क्वालिटी आप और हो जाएगी बैटरी थोड़ी डाउन चलेगी इससे बैकअप थोड़ा कम आएगा लेकिन इस स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका आप ब्राइटनेस देख ही सकते हैं कि थाउजेंड यूनिट्स की ब्राइटनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा चलाने में ऐसा नहीं है कि आपको छाए में जाना पड़ेगा धूप से बचना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसमें और आपको कंफर्टेबल बहुत फील होगा देखा जैसे मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ उसकी ब्राइटनेस में ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है देखो ब्राइटनेस इसकी अब आप देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आप जैसे गैलरी खोल लो कैमरा देख लो उसका कुछ भी कर लो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो उस हिसाब से फोन तो फ़ोन अच्छा 60 है जीट्स 80 का पैनल है क्योंकि आजकल देखो इसमें डिस्प्ले पर भी रेप्टड डिस्प्ले होगा कलर चेंजेस अभी डिस्प्ले बेसिक जो भी आप चाहे ऐसे कर सकते हैं रेप्टड डिस्प्ले यह है कि आपके वाइड जैसे टू टूर होता है आईफोन में ऐसे काम कर सकते हो उसकी सिक्योरिटी दिखाता हूँ आपको इसमें देखो एक तो आपका आयर स्कैनर भी होता है जो आपके आँख से खुलता है ये आपको पचास हज़ार तक के फोन में मिलेगा आप हटा चुके हैं सैमसंग से, भी से क्योंकि आपका देखो आई एस खुलता है और ये भाई वर्क करता है जैसे मैं दिखा देता हूँ तो आपको वन टू थ्री फोर लगा के एक बार वन टू थ्री फोर देखो दिखाएगा दिखा आपको कि आपको जैसे आपने स्पेक्स लगा के तो हटाने पड़ेंगे तो जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखेगा नहीं देखो ऐसा दिखाएगा देखो देखो रजिस्टर्ड भी हो गया ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा रजिस्टर्ड हो गया आप खुल भी जाएगा उससे जैसे मैं बंद कर देता हूँ उसको देखो अभी मैं कैमरे में चल रहा हूँ जैसे मैं अपने पास ले जाता हूँ खुल जाता है ये तो भाई ये सिक्योरिटी फीचर आपको किसी फोन में सैमसंग ने नोट नाइन के बाद बंद कर दिया ये आर एस स्कैनर का एस से टेस्ट ना सब में था ये और देखो आप डिस्प्ले देख रहे हैं कितनी ब्राइट हो जाएगी ऑटोमेटिक्स ऑफ कर देंगे देखो एक ब्लू फ़िल्टर का भी सिक्योर फोल्डर भाई सैमसंग में आपको हर फोन मिलता है वो आपको जब यूज़ करोगे आप पता चल जाएगा कितना सिक्योर है एक नंबर की चीज़ है वो और इसमें एक मिलता है आपको सैमसंग डेस्क का ऑप्शन ये आपका सीधा वायर से कनेक्ट होके सीधा आपका वो सिस्टम बन जाता है तो इसमें ऐसे ऐसे फीचर है जो आपको क्योंकि आपको ये पंद्रह हज़ार के रेंज के कंपेयर करा रहा हूँ अभी कि पंद्रह हज़ार में आपको सैमसंग के भी रेज एम आई के एम नोट टेन वगैरह मिल जाएंगे उससे कंपेयर करने में आपके बहुत ज़्यादा एडवांस दिखेगा आपको एस पेन भी है सबसे बेस्ट फीचर्स में एस पेन का भी है एज लाइटिंग भी है एन एफ सी सब है इसमें देखो दिखाता हूँ आपको पहले एस पेन का फीचर अब देखो आपको ऐसे कुछ भी लिखना हो बस आपको क्लिक करना है निकालना है आपको ऑन हो गया है और लेटेस्ट से देखो कितनी सही है इसकी ऐसे कि बहुत लेट कर रहा है जैसे मैं लिख देता हूँ मोहित यादव कुछ भी लिख सकते हो और आप जैसे करोगे अंदर करोगे सेव हो जाएगा देखो ये सेव हो चुका है मेरा ये बात करते हैं इसके कैमरे की बात कैमरा आप देख सकते हैं इसमें एक ओ आई एस कैमरा है इसके अंदर जो आपका दस से पंद्रह हजार बीस जागे फोन तक में भी मिलता है आजकल ओ आई एस इसमें एक ओ आई एस कैमरा है ट्वेल्व मेगा पिक्सल प्लस ट्वेल्व का और उसकी क्लियरिटी बाई बहुत अच्छी है आपको मैं कंपेयर दिखाता हूँ अभी बात करते हैं देखो उसका करेक्टर है जो टाइप सी जो नॉर्मल इसमें मिलता है टाइप सी वो मिलता है टू पॉइंट ओ और जैसे पच्चीस से तीस जगह फोन में बता रहा हूँ आपको टू पॉइंट ओ मिलता है लेकिन इसमें थ्री पॉइंट वन आप सोचो थ्री पॉइंट वन टाइप टाइप से लेकिन तो ऐसा नहीं है आपको ट्रांसफर स्पीड इसमें बेटर मिलेगी और के मुकाबले थ्री पॉइंट वन आपका डाटा आपको निकालना हो या डालना हो आपका एस एस करनी हो तो बहुत अच्छा स्पीड मिलेगी मैक्स तो का देखो ओपन है और देखता है कितने दे देर स्टार्ट दे दे होता है ये आपको प्रोफेन्स का अंदाजा लग जाएगा कि आपको दस पंद्रह हज़ार के फोन चला के देख लेना आप कितने सेकेंड खुलता है तो भाई तो कुछ सेकंड में खुल गया गए कितना सेकंड में खुल गए तो गया चलेगी अलग और उसमें देखा है सैमसंग चीज़ वो दिखाता हूँ आपको देखो आप कुछ दिख रहा है आपको बस ये बटन का सर और भाई इसमें स्टीरियो साउंड है इसमें आपके स्पीकर में भी आते हैं रिंगर दोनों में आवाज़ आती है देखो दिखाता हूँ आपको चला के एक बार देखो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको देखो इसमें तो उससे तेज आवाज मिल सकती है फ़ोनों में जो आज करके आते हैं दस से पंद्रह हज़ार के लेकिन आपको क्वालिटी बेटर साउंड वो साउंड थोड़ी रिचनेस मिलेगी आपको ये थोड़े सोट तो आपको क्लियरटी में फर्क पता चल जाएगा जैसे देख सकते हैं कि इसमें मैंने एच डी टेन वीडियो चलाइए भी और आपकी क्लियरिटी देख सकते हैं डिस्प्ले की आपको ये रिचनेस डिस्प्ले में देखो कलर पर ब्राइटनेस देख सकते हैं आप सैचुरेशन देख सकते हैं इसके रियल कलर दिखते हैं आपको इसमें और क्योंकि ये ए सुपर एमरलो डिस्प्ले है एच डी के साथ तो इस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें एच डी प्लस नहीं है ओनली एच डी एंड डेस आपको एक चीज़ में लगेगा कि आपने डाउनलोड फील करा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट एक जुलाई दो के बाद तो आए हैं सिक्योरिटी का और उसके बीच में आपका देखते हैं कि कौन से एंड्रॉयड में चल रहा है ये वो भी दिखा देता हूँ आपको और सॉफ्टवेयर वर्जन में आप देख सकते हैं कि ये वन यू आई टू पॉइंट फाइव पे एंड्रॉड टेन पे इसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आया है और आप पास क्योंकि स्टोरेज इसकी पाँच सौ बारह जी बी दिखा देता हूँ आपको आठ जी बी रैम के साथ और आप देख सकते हैं कि इसमें नाइन्टी एट परसेंट फोन ऑटोमेटिक ऑटोमाइज करता हूँ जैसे आपको हंड्रेड परसेंट दिखाया जाए देखो अभी डन तो ये सैमसंग फीचर अच्छा है कि सॉफ्टवेयर सैमसंग वैसे स्टार्टिंग से अच्छा है और देखो आप देखें पाँच सौ बारह जी बी यूज़ है और आठ जी बी रैम है ये फोर्टी नाइन जी बी तो उसके सिस्टम नहीं रखे सिर्फ क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं डाल रखा है इसका दो चार फोटो हैं सिर्फ और एक दो वीडियो होंगी और आप देख सकते हैं कि पाँच सौ बारह जी बी और ये फोन आपको मिल जाता है अभी दस से पंद्रह हज़ार की रेंज में इसमें एस पेन का भी है क्योंकि एस पेन इसका बहुत यूज़फुल है कैमरे में लेके आप सब चीज़ में देख सकते हैं और रात को दिखाता हूँ मैं कैमरे खिलती आपको फ्रंट कैमरे की देखो आप और देख सकते हैं फ्रंट कैमरे भी आपको लगेगा नहीं कि भाई इतना सस्ता फ़ोन चला रहे हैं आप दस हजार की रेंज में तब भी ये बहुत बेटर क्वालिटी के पिक्चर ले, ले लेता है देख सकते हैं आप कि आए मैं देखो मैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ऑटो फोकस भी बहुत अच्छा है इस फोन का आप देख सकते हैं मैं पीछे दिखाता हूँ आपको और थोड़े देर सैंपल्स वोट्स तो आपने देखे ही होंगे वीडियो में और लुक एंड फिल्ड आपको बताई दिया आपको बताता दो तो कंक्लूजन आपको लेना चाहिए कंक्लूजन की बात करते हैं कि दोनों आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए दो में ये फोन पाँच साल पुराना आपको लगेगा चीज आपको डाउनग्रेड लगेगा ये एक तो बैटरी में आपको डाउनग्रेड लगेगा, तो लगेगा ये क्योंकि आप सोचोगे कि बैटरी इसकी 4000 प्लस एमएच एच की है तो आपको अच्छा बैकअप देगी वो ऐसा नहीं है क्योंकि इसके कम डिस्प्ले के कारण ये बैटरी बैकअप बहुत कम देता है और बात इसके चार्जिंग स्पीड की करेंगे तो ये फोन करता है फिफ्टी वोट के चार्जिंग आता है आपका ये फ़ोन और फिफ्टीन टू एटी वोट ही स्पोर्ट करता है ये और आपको जैसे बोलेंगे कि यार आई फोन में इतना होता है भाई आई के बैटरी बैकअप और एंड्रॉइड बैटरी में फर्क होता है ये आपको एक दिन पूरा नहीं चला पाएगा इस टाइम क्योंकि पाँच सौ पुराना फोन हो चुका है वैसे भी और इसमें एक चीज़ खास हो रहा है कि इस रेंज के हिसाब से ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है कि आप फाइव वोट की वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं इससे ये तो इसको कोई एडवांटेज हो गया आपको कर्व डिस्प्ले एस पैन वायरलेस चार्जिंग हार्ट रेट सेंसर आई स्कैनर और आपका फिंगरप्रिंट भी इन बढ़िया है फिंगरप्रिंट भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो, तो बैटरी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज आपके लिए यही रहेगा बैटरी और उसके बाद रहेगा आपका सॉफ्टवेयर में क्योंकि आपको ना सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मिलेगा ना आपको कोई एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा और आपको सबसे बड़ी दिक्कत और आएगी इसमें कि अगर कुछ भी आपका जैसे खराब हो जाता है आपकी डिस्प्ले भी टूट जाती है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिस्प्ले है इसकी आपको पूरा फोन दस से ग्यारह हज़ार मिल जाएगा और ओनली डिस्प्ले डिप्पे बारह हज़ार रुपये किसी सेंटर में तो आपको मतलब आपको मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस फोन मिल जाएगा आपको ये और भाई मेरा मानना ये है कि आपको ये फ़ोन सिर्फ जब भी लेना चाहिए आपको कोई सेकंड फोन लेना हो कोई आपको स्टोरेज के लिए चाहिए क्योंकि आपको पाँच सौ बारह जी बी दस ग्यारह हज़ार कोई कुछ मिलता नहीं है सेकेंड पर्पज़ के लिए आपको तो आप लेना चाहिए लेकिन आपको प्राइमरी पर्पज है इसको लेने के लिए तो आप बिल्कुल ही लीजिए इस फोन को क्योंकि इसमें एक तो फाइव जी भी नहीं है ये फोर जी मॉडल है और आप जो भी कनेक्टेड फोन आ रहे हैं सब फाइव जी आ रहे हैं लेकिन ये इसका वाई फाई है फाइव जी स्पोर्ट बैंड स्पोर्ट करता है वाई फाई में लेकिन इसका सेलुलर नेटवर्क नहीं करता तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन दो हज़ार चौबीस में नहीं लेना चाहिए कोई मेरे हिसाब से आपको ये फोन ले लेना चाहिए क्योंकि आपको इस फोन में हीटिंग इशू भी आएगा क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है एक्सिनोस प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्योंकि प्रोफेस में क्योंकि परफॉर्मेंस कितने अच्छे भी नहीं है जब होता मैं गेमिंग करके दिखाता तो प्रोफेस के बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि प्रोफॉर्मेंस क्योंकि परफॉर्मेंस आप कंपेयर नहीं कर सकते पाँच साल के फोन को आपका स्नैपड्रैगन का फोर जेन आ रहा है उससे बराबर ही परफॉर्मेंस पाएगी इसके आप ये लगा सकते हैं कि आपकी स्नैपड्रैगन स्टैम ड्राइगर के मुकाबले पाएगा क्योंकि ये स्नैपड्रैगन ये एक्सिनोस प्रोसेसर एक्जिनोस के साथ आता था और इस वजह से आपको मैं कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए आपको सेकंड यूज़ के लिए लेना चाहिए सिर्फ वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें आप ऐसी ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फोन के बारे में टेक्नोलॉजीज के बारे में ऐसी वीडियो आपका चैनल मिलती रहेगी तो इसलिए आपको लाइक से सब्सक्राइब कर दें चैनल को आप मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में